ट्वेली चैप्टर 252। आज इस ट्यूटोरियल सेशन में हम लोग डेली एक्सपेंस की बल्क एंट्री के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उसका अमाउंट रैंडम अमाउंट रखेंगे। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी रैंडम नंबर्स का एक फंक्शन पढ़ाया था, उसी के इस्तेमाल से हम लोग रोज होने वाले एक्सपेंस की एंट्री डिफरेंट अमाउंट से करेंगे। जो अमाउंट लिमिट हम देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। बहुत कम समय में इस काम को किया जा सकता है। अगर आप पुराने साथी हैं तो पिछली वीडियोस से आपको पहले ही आइडिया हो चुका होगा, तो आपका काम कितना आसान होने वाला है कुछ सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से। अभी हम अपने डे बुक में चल रहे हैं। मैंने पेमेंट वाउचर लिया और इस पेमेंट वाउचर पे जितनी भी एंट्री मेरी है, मैं उस एंट्री को यहाँ पर एक सेकेंड डेट एडजस्टमेंट डाल देता हूँ और इन सारी एंट्रीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, यानी कि अभी पेमेंट वाउचर में कोई भी एंट्री नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सा काम करना है कि अपने एक ऑप्शन पर जाना है। नीचे आपको ऑटो बल्क पेमेंट दिखाई दे रहा है, ऑटो बल्क पेमेंट पर जाइए और आप उसके अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। डेट लिया मैंने 1 अप्रैल, फिनेंशियल ईयर एंड होगा तब तक की एंट्री ऑटोमेटिक ले लेगा, मतलब 31 मार्च से आगे की एंट्री सिस्टम जनरेट नहीं करेगा। और जो साथी हमारे एजुकेशनल वर्जन पर इसे टेस्ट कर रहे हैं, उनको सिर्फ हर महीने की 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख की एंट्री दिखाई देगी, बाकी एंट्री नहीं दिखाई देगी। जो लोग क्रैक वर्जन पर इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सारा दिखाई देगा, मतलब एजुकेशनल वालों को भी आइडिया हो जाएगा, तो मैं उनकी मदद कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यानी कि नंबर ऑफ पेमेंट्स करनी है कि कितनी पेमेंट वाउचर की एंट्री है। मैंने कहा 150 एंट्री है तो 150 करेगा। अगर मैंने इसको दे दिया 360 एंट्री तो 360 लेगा, कैश में है चेक में है वो ले लेगा, साथ साथ नरेशन भी ऐड कर देगा। एक्सपेंस की लिस्ट आपके पास होगी, मैंने टी बिल ले रखा है वहाँ लिया। अब मैक्सिमम ऑफ अमाउंट 1500, चाय का बिल एक दिन का मैक्सिमम 1500 रुपये का है हमारा, अगर हम कोई ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं या आपके यहाँ चाय ही बहुत महंगी आती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये हमने एंट्री की, एंट्री प्रोसेस हुई। डे बुक पर हमें जाना है, हम डे बुक पर चलते हैं। डिस्प्ले डे बुक, पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट कीजिए और अब ऑल्ट F2 सारी एंट्री दिखा देता हूँ। 1-4 1 अप्रैल से लेकर के मैंने इसको 1 मार्च तक ले लिया, मान लेते हैं। ये हमारी सारी एंट्रीज यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो अमाउंट है वो अमाउंट रैंडम आ रहा है। 1 रुपये की लिमिट है मिनिमम और मैक्सिमम 1500 रुपये, यानी कि जो यूज़र इनपुट है वो 1500 रुपये है। आप इसे कम करें या ज़्यादा करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंट्री पर आपने डिफरेंट नरेशन दिया होगा तो नरेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। नरेशन नहीं दिया, बैंक दिया हुआ है तो बैंक की एंट्री इस तरीके से, कैश देंगे तो कैश की एंट्री। ऑल्ट कंट्रोल ए, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको और एक बार छोटी सी एंट्री फिर से आपको दिखा देता हूँ। ऑटो बल्क पेमेंट 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, 360 एंट्री करनी है, कैश में करनी है। ठीक है, चाय का बिल और अमाउंट मैंने यहाँ 3000 रुपये की एंट्री की, एंट्री एक्सेप्ट हो गई। डे बुक ऑल्ट, अभी तो पहले पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं F4 से, पेमेंट की सारी एंट्री ऑल्ट F4। सो जस्ट अ मिनट, 1-4 से लेके 1-3 यहाँ तक की सारी एंट्री आ चुकी है। अ मैक्सिमम ऑफ 3000 की लिमिट है, आप देख पा रहे हैं राइट। अलग अलग अमाउंट की एंट्री यहाँ पर दे दी गई है, तो इस तरीके से आप
इस एंट्री को करते हैं। अब ये कोड आपको कैसे मिलेगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना, तो पहले पूरी वीडियो देख लेना उसके बाद करना, क्योंकि वहाँ पर कुछ कोड गायब है। तो ब्लॉग पर जाएंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे आखिरी मेरे ब्लॉग का HTML लिंक है, क्लिक कीजिए, मेरा ब्लॉग ओपन होगा, क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, नोटपैड पर पेस्ट कीजिए और जो कमांड मैं आपको बता रहा हूँ वो वहाँ पर टाइप कर दीजिए, तो आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है, आप इजीली काम कर पाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पर, और जब चैनल पर आ चुके हैं तो बात करेंगे। ये सारी रिक्वेस्ट हमारे साथियों की है जो आप लोग करते हैं, अगर आपको कोई TTL बनवानी है तो आप कमेंट कीजिए, आप एक डिटेल्ड एग्जांपल दीजिए, आपको कमेंट के बाद TTL बना करके शेयर कर दिया जाएगा और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। तो करना क्या है अपने को, एक छोटा सा काम कि जो भी एंट्री आप कर रहे हैं उसमें क्या पार्ट मिसिंग है वो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, सब कुछ ठीक है, बस एक छोटा सा काम आपने करना है, क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पर ये जो सेट है ना आपकी पहली लाइन, ये यहाँ पर ये वाली लाइन जो है वो मिसिंग है, इस लाइन को आप टाइप कर लेना, आपका काम आसान हो जाएगा, भविष्य में परेशान नहीं करेगा ये आपको, बाकी सारे का सारा काम ये ब्लॉक कोड आपके लिए कर देगा आसानी से। तो अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी, आपका काम आसान हुआ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा वीडियो के बारे में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंटरेस्टिंग मटेरियल आपसे शेयर किया जाता है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग वीडियो सैकड़ों रेडीमेड कोड चैनल पर है और कोडिंग सिखाई भी जा रही है, एक एक करके हम आपकी सभी रिक्वेस्ट को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा टेली चैप्टर 252 सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं टेली चैप्टर 253 की ओर।